हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला उजागर हुआ है, जहां मामूली विवाद के चलते साले ने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया, जहां आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गौरतलब है कि बेलतरोड़ी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली रचना गृह निर्माण संस्था पुनर्वसन में लेआउट निर्माण का कार्य चल रहा है, जहाँ विभिन्न राज्यों के मूल आवासी रोजी रोटी के चलते काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक मृतक 30 वर्षीय रवि गालीचंद कहार, जो कि मूल छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का निवासी है, अपनी पत्नी और साला 24 वर्षीय अरुण कहार के साथ रह रहा था। यह तीनों 2 महीने पहले ही नागपुर आए थे, जहाँ कुछ अज्ञात कारण के चलते जीजा रवि और साला अरुण के बीच कहासुनी हो रही थी। इस मामले की खोजबीन के दौरान सूत्रों के हवाले पता चला है कि 8 मार्च के पहले अरुण की उसके बहन के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद अरुण वापस चला गया था, लेकिन कल रात लगभग 11 बजे के करीब मृतक और आरोपी के बीच जबरदस्त कहासुनी हुई, जिसके बीच आरोपी ने लकड़ी का डंडा उठाकर मृतक के सर पर जोर से मारा, जिसमें मृतक अरुण की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार है, जिसकी खोज के लिए बेलतरोड़ी पुलिस का एक जत्था छिंदवाड़ा रवाना हो चुका है। वहीं अन्य पतक शहर के दुर्गम क्षेत्र शराब अड्डे एवं नागपुर जबलपुर मार्ग पर आरोपी की खोज कर रहे हैं, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद कवाड़ी ने। पुलिस ठाणे बेलतरोड़ी येथे रचना गृह निर्माण सहकारी संस्था शिवनगा पुनर्वसन या ठिकाणी ही जी जागा आहे, ही रिमोट एरिया आहे, जो शेतासारखा एरिया आहे, आणि त्या ठिकाणी जे बांधकाम सुरू होतं, लेआउटचं बांधकाम सुरू होतं, नाल्या बांधण्याचं बांधकाम चालू होतं, आणि त्या ठिकाणी 2 EMP चे मध्य प्रदेश छिंदवाडा येथील 2 इसम राहत होते, ते नात्याने एकमेकांचे जावई आणि साळा याप्रमाणे होते। यातील जो मृतक आहे तो जावई होता, त्याचं नाव रवी गलीचंद कहार, राहणार हरई छिंदवाडा असा होता, आणि आरोपी यामधला त्याचाच सगळा साळा अरुण बनवारी याप्रमाणे होता, आणि यामध्ये ते दोघे गेल्या 1 महिन्यापासून नागपूर शहरात आलेले होते। त्यांचा रेकॉर्ड वगैरे आम्ही चेक केला, तसा क्राईम रेकॉर्ड वगैरे त्यांच्यावर नाही आहे, दोन्ही मजुरात एकमेकांना ओळखतात आणि एकाच ठिकाणी दोघेच राहत होते, आणि 1 महिन्यापासून तिथेच काम करत होते लेआउटला, आणि त्याच ठिकाणी राहत होते। तर यांनी अज्ञात कारणावरून दोघांनी रात्री 11:15 दरम्यान दिनांक 11/3/2024 रोजी अज्ञात कारणावरून जो लाकडाचा दांडा असतो, जो स्वयंपाकासाठी वापर केला जातो, त्या दांडा डोक्यावर मारला आणि त्याला जावायला जीवानिशी ठार केले। सध्या आता आमचे एक पथक छिंदवाडा इथे रवाना झालेले आहे पहाटे, आणि त्याचबरोबर 3 पथक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये काम करत आहेत, ज्यामध्ये म्हणजे हायवे जबलपूर आणि वर्धा रोड या ठिकाणी, किंवा जे सरकारी दारूचे दुकान आहेत त्या ठिकाणी त्या आरोपीचा शोध सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।